रीवा शहर जहां बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भटलो गांव में 60 वर्षीय वृद्ध की गला देकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे बिछिया पुलिस ने पंचनामा कर शव को संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध के गले में चाकू से वार किया गया। वहीं इस घटना की जाँच की जा रही है, तत्काल आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। क्या पूरा मामला? जी हाँ, आज सुबह करीब 6:30-7 बजे जो है एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को जो है, जो नाम है उसका राम मिलन कोल, उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है एक धारदार हथियार से जो है गले के साइड में जो है चाकू से हमला कर दिया है। सूचना पर हम लोग तस्दीक के लिए गए थे तो देखा कि एक कान के नीचे जो है धारदार हथियार से उसका एक कट लगा हुआ है और उसी से उसकी जो है मृत्यु होना संभावित है। और आगे कार्रवाई जो है के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में कुछ जानकारी सामने आई, परिजनों को संदेह जताया है किस पर? अभी चूंकि उसका किसी से वाद विवाद था नहीं और बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति है, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक ही विवाद संभावना है और अभी कहा कुछ नहीं जा सकता। क्या तथ्य सामने आएंगे, जो भी होगा तो विवेचना का पार्ट है, वो आपको अवगत हो जाएगा।